तू साथ ना मां पर साथ तेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था, वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का इनका ताज छीनने आया था। बस वही है कि मुझे टनल के बाहर सिर्फ बिग बॉस ही भेज सकते थे, और आई एम वेरी हैप्पी लोगों को टनल तक छोड़ के आने में मेरी जितना योगदान मुझे नहीं लगता जितना था, जितना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो प्यार मुझे मिल रहा है और जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल। इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं और मुनव्वर नसीब वाला है। मैं हमेशा कोई भी ऐसा मूवमेंट होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, मैं हमेशा फील करता हूँ कि काश वो लोग होते और वो देखते। और चीज़ों से गुजरना पड़ता है, माँ की दुआएं मुझे हमेशा लगती है, माँ और बाप की दुआएं मेरे साथ है। तो आज शायद स्टेज पे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था, वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का इनका ताज छीनने आया था। जिस तरह जर्नी आपकी रही, आपका वाइल्ड कार्ड के बाद काफी बदलाव आया आपकी जर्नी में, बट आपके फैंस स्टैंड बाय रहे, फैंस ने काफी सपोर्ट किया आपको, किस तरह से देख रहे हो? बट आपकी जो गेम थी अप डाउन, इंडस्ट्रीज से काफी लोग ने आपको सपोर्ट किया, सेलिब्रिटीज सपोर्ट किया, आज भी मिले, आज भी सेलिब्रिटीज आपके नाम ले रहे थे, हाउ डू यू सी दिस सपोर्ट? भाई मैं जैसे बोलना चाहूँगा, गेम ऊपर नीचे होना, वाइल्ड कार्ड का आना, मैं अपने जब काम का अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद को देता हूँ, तो मैं अपने फेलियर का भी कभी भी किसी और को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराता, मैं हमेशा अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ। और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था, अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था, तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी प्राइवेट चीज़ें और पर्सनल चीज़ें आती है, आप उसके लिए रेडी नहीं होते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट और प्यार मिला है वो जानते हैं मुझे, और उन्होंने हमेशा मुझे चीज़ों में देखा है। बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, अभिषेक और मनारा से मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी, अंकिता से भी रहेगी, और घर है बिग बॉस का घर, बहुत सारे इमोशंस से आप गुजरते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब फील करूँगा, वहाँ पर बहुत सारे इमोशंस थे, और खास करके दोस्ती को लेकर आपको एक वक्त किसी से नाराजगी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कम बात करना या कभी झगड़ों की वजह से, और बहुत सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं, तो आपस में दोस्तों में वो रंजिशें आना लाजिम है, बट एट दी एंड आपको रियलाइज होता है कि जो रियल रिश्ते हैं वो घर के बाहर भी रहते हैं। देखिए मैं यही बोलूंगा कि जब आप एक रियलिटी शो जीतते हो और इतने प्यार करने वाले लोग होते हो, तो आप कभी भी अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर देते हो अपने आप ही, और वो एक्सपेक्टेशन पे लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो जाकर ही कुछ ना कुछ फाड़ना शुरू कर देगा। तो मैं हमेशा से सुनता था, समझता था कि बिग बॉस घर क्या है, कहा जाता था सिविलाइज तरीका, कहा जाता था कि घर में हो आप, घर में ऐसे बिहेव करते हो, अपनी लैंग्वेज पे काबू। तो मैंने दायरे मेंटेन किए, कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, ना कभी किसी को गालियाँ दी, और मैंने हमेशा एक ऐसा जोन किसी के साथ रखा कि बात करके जब चीज़ें सुलझ सकती है, तो मैं उलझाने वाला इंसान हूँ नहीं, और मैं अपनी ज़िंदगी में भी इस तरह चीज़ें सॉल्व करता हूँ, झगड़ों से दूर रहता हूँ, तो शायद मैं झगड़ा करते हुए दिखा नहीं होऊंगा, बट मैं बातों से चीज़ों को सुलझा लेता था, और गेम जब ज़रूरत थी मैंने उस हिसाब से खेला है।